अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल एंड एग फ्राइड राइस, जो कि मुझे बहुत पसंद है और आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। सबसे पहले हम हाफ कप ऑयल लेंगे, उसमें 250 ग्राम चिकन डालेंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे, हाफ टेबल स्पून नमक डालेंगे, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जब चिकन लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम उसमें मिक्स वेजिटेबल्स, जिसमें मटर, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी मैंने डाली है, फ्राई करेंगे। 2 टेबल स्पून सिरका डालेंगे, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालें और अच्छी तरह फ्राई करके एक बाउल में चिकन और वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई किए हैं उन्हें निकाल लेंगे। फिर हम उसी ऑयल में 2 अंडे डालेंगे और उन्हें फ्राई करेंगे। अंडों को फ्राई करने के बाद जो हमने चिकन और वेजिटेबल्स फ्राई की हुई हैं उन्हें डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने चावल पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, वो चावल इनमें डाल के और फिर मिक्स करेंगे। उसके बाद ऊपर से हम 6 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे और 1 टीस्पून रेड चिल्ली सॉस डालेंगे। ऊपर से बॉइल्ड एग्स, जो कि मैंने अंडे पहले से उबाल के रखे हुए हैं, वो डालेंगे और सब धनिया डालेंगे। ये सारी चीज़ें डाल के 5 मिनट के लिए हम कवर करके लो फ्लेम पे रख देंगे और फिर डिश आउट करके सर्व कर देंगे।